बस बचा के रहिए लोग कोरोना से, किसी को नहीं पहचानता इस ससुर, बहुत खतरनाक चीज है। हमारे जान पहचान में कई लोग डेथ कर गए, कोई सोर्स पर भी काम नहीं आता इस कोरोना में। अगर हो गया ये सेकंड वेव वाला, बहुत चांसेस है कि लेके चला जाएगा। मेरा दाहिना आंख पूरी तरह से लाल हो गया है ससुरा, इसमें से पानी बहुत आ रहा है, पता नहीं क्या है इसको, तो डॉक्टर से दिखा रहे हैं तो ससुरा कह रहा है कि इस टाइप का एक लक्षण कोरोना में भी होता है, चमकता है हमको ससुरा। एक कटोरा आंखिया में से हमारी कीचड़ निकल रहा है, वो खाली दहिना आंखिया में से बाया को कुछ नहीं हुआ है कोरोना की वजह से। उसमें हम एक दो आदमी से इन्फेक्टेड हो गए, मेरा खुद का ड्राइवर का भाई बेचारा डेथ कर गया, ड्राइवर को इन्फेक्टेड हो गया, अगल बगल में बहुत सारे लोगों का इन्फेक्टेड हो गया। हम जब सोचते थे कि आज ठीक है, आज चेक करा के आते हैं, एक आदमी से मिले तो पता चला वो भी कोरोना है, वो डेथ कर गया। ऐसे तीन चार सीरीज ऑफ पेशेंट से मिल गए, मन अजीब हो गया। सबको दिलाना भी जरूरी है, तब एकदम घट जाएगा। जब पेशेंट एकदम लास्ट पोजीशन पे आ जाता था, तब लड़का हमसे कहता था सर वेंटिलेटर दिला दीजिए, रेमडेसिविर दिला दीजिए, ये दिला दीजिए। तो जरा हमारा से डॉक्टर कह रहा था सब कि खान सर कुछ रेमडेसिविर का इंतजाम हो जाएगा, कुछ 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 दे रहे थे, इसलिए आपका क्लास नहीं ले पा रहे। इसी बीच में हम भी इन्फेक्टेड हो गए, तो खुद को आइसोलेशन में डालना पड़ जाता है ना। आप अपना ऑक्सीजन लेवल फिलहाल नाप के रखिए, अभी हम रिस्क के बाहर हैं। देखिए ये ऑक्सीमीटर है, हम दिखा देते हैं आपको अपना ऑक्सीजन लेवल। देखिए अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल 97 है, दिख रहा है? अभी ये मेरा ऑक्सीजन लेवल है 97, 98 हो गया, ठीक है, अभी ठीक ठाक है हम, अभी अभी ठीक हो गया। तो हमेशा पासे में रखना पड़ता है। हार्ट बीट 72 है, बीपी बहुत कम है, अभी होना चाहिए इसको, मतलब ये पल्स रेट होना चाहिए 100 के आसपास, 72 है। देखो नीचे पीआर लिखा है, पल्स रेट, हालांकि वो ठीक है, 72 भी खराब नहीं है, 77 भी नहीं, उसको होना चाहिए लगभग 100 के आसपास, 90-100 के बीच में, थोड़ा सा नीचे है, ठीक हो जाएगा। आप जिसको कोरोना का डाउट है उसको ये सब लेकर रहिएगा, होम आइसोलेशन में आदमी रहता है तो सब ले होके रहता है, पल्स ऑक्सीमीटर थर्मामीटर ये सब लेके बैठे रहते थे। उस ससुर अपना मोबाइल को अपडेट किए हैं तो साला फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या मांग रहा है, टर्न ऑन कीजिए, मन करता मोबाइल वो पटक दे छोटा कहीं का, इसीलिए अपडेट नहीं करते कोनो चीज को, नौटंकी कर रहा है। अब फोन किसको करेंगे हम, फोन ही नहीं लग रहा है किसी को। कोरोना कब तक डाउन होगा आपको आइडिया है? 15 से 20 मई, यही डेट लिए है ना, ये फर्स्ट टाइम होगा मई के महीने में जब हम लोग 2 लाख के फिगर में आ जाएंगे। 20 मई तक तो हम लोग लाख के अंडर आ जाएंगे, यहाँ तक में हम लोग कहाँ आ जाएंगे, अंडर 1 लाख आ जाएंगे। हाँ बाबू, ऑल इंडिया कह रहे हैं हम, आज के दिन में 2,95,000 के केस में आएंगे, जो 4 लाख जा रहा था आज के डेट में आ जाएगा, ठीक है। कल था आपका 3,26,000, आज घटेगा लगभग 35,000, तो वही 2 लाख समथिंग हजार आ जाएगा पर डे। ये कोरोना घटेगा नीचे 30 से 35,000 पर डे, ठीक है, इसलिए बच के रहिएगा आप लोग। बहुत 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 रिसर्च करने के बाद हमको ये डेट, इस डेट पर आए। आप देखे होंगे भारत सरकार भी डेट नहीं देती होगी, एक हम ही हैं जो सोच रहा डेट डेट दे रहे हैं, अगर डेट ना होगा तो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। सर सोनू निगम आपको आई लव यू बोले, हम भी उनको आई लव यू बोलते हैं भाई, हम तो कभी सोचे नहीं थे कि वो भी हमको जानेंगे। एक्चुअली उनका गाना हमें बहुत अच्छा लगता है, उनका राग एक मेरा राग है ससुरा कोनो काम का नहीं बहुत खराब मेरा राग है, उनका राग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान है सोनू निगम, पॉजिटिव थिंकिंग, कोई गलत भावना नहीं।